कहां पे है एमएलए साहिबा? आज तुम्हारे क्षेत्र में आज एक मासूम बच्चे का जान गया है। तुम कंट्री कंट्री टूर मार रहे सिर्फ रिबिन काटने के लिए आप लोग वहां पे आते, और कहां पे है चंदू पाटिल को पूछना चाहता हूं। आज एक मासूम का जान गया वहां पे, चंदू पाटिल को भी जाना है, कनिष फातिमा मैडम को भी जाना है, जाके वो फैमिली को इंसाफ दिलाने का काम आज एमएलए कमिश्नर साहब को मालूम नहीं रहा। कुत्ता काटे तो क्या होता बोल के, कॉन्ट्रेक्टर मेरे पास एक कॉन्ट्रेक्टर आया था, उन शिकायत लेके आया साहब, इन इतना परसेंट पूछता बेटा, इतना पूछता बोल के कॉन्ट्रेक्टर को मैं अलमप्रो पाटिल साहब को बोलना चाहता हूँ, अभी 4 साल टाइम है, सुधरो। वो जो 14 साल के जो मासूम बच्चे का जो रेप हो के इंतकाल हुआ है, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो बच्चे को जन्नत नसीब दे। को ये जो किले के आसपास का जो मट्टी निकालने का और अंदर किले के अंदर जो जाड़े खतरने का ये जो काम अभी स्टार्ट हुआ है, ये जो बजट है ये लगभग मैं सोचता हूँ लास्ट टाइम दत्तात्रेय पाटिल साहब जो KKIDP के चेयरमैन थे उस टाइम पे इस पर एक एस्टिमेट बना के जो है एक डेवलपमेंट करना बोल के वो उस टाइम पे प्रपोजल रखा गया था, तो अभी वो प्रपोजल को फिलफिल हो गया। अभी जी KKIDP का बजट आया है, मगर हम लोगों का ऑब्जेक्शन जो कहना है कि ये जो बजट आया है ये बजट को हम डिने कर रहे हैं। क्यों बोले तो वो काम को भी हम लोग डिने करते हैं। क्यों? आज किला के आसपास का जो किले का जो संबंध है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को संबंध है, ये महानगर पालिका को संबंध नहीं है। ये तो इसलिए क्या है, हम लोग कमिश्नर साहब को भी मैं मिला हूँ, RC साहब से भी मैं इसके बारे में डिस्कस किया हूँ, जाके उनको एक लेटर भी दिया हूँ, रिक्वेस्ट लेटर भी दिया हूँ कि ये जो काम 10-12 करोड़ का जो भी काम जो चल रहा है ये काम में घोटाला हो रहा है। जो जो बड़े बड़े जो कॉन्ट्रेक्टर्स जो है गुलबर्ग के नामचीन कॉन्ट्रेक्टर्स बोल सकते हैं, ये लोग क्या है सिर्फ कॉरपोरेशन में बड़ा बजट जो आता है करोड़ों के ऊपर जो बजट जाता है उस टाइम पे ये कॉन्ट्रेक्टर्स जो है बाहर आते हैं। क्यों बोले तो कॉरपोरेशन में भी उनका सेटिंग, ऑफिसर में भी उनके साथ में सेटिंग। आज ये जो 10 से 11 करोड़ रुपए का जो बजट आप जो वेस्ट कर रहे हैं, ये हम लोगों का कहना है RC साहब को, ये बजट जो है गुलबर्गा महानगर पालिका सिटी में जो जितने 55 वार्ड है, आज गुलबर्गे के 55 वार्ड के हालत बहुत खराब है, स्पेशली नॉर्थ में पूरा हालत खराब हो चुका है, डेवलपमेंट नहीं है। जिसको वहाँ पे हकदार में बिठाया गया है वो लोग अपने अपने वार्ड में ज़्यादा फंड डेवलपमेंट के लिए डाल लिए। जो कांग्रेस से कॉरपोरेटर जीता है वहाँ के नॉर्थ के MLA क्या है उनको 2-2, 3-3 करोड़ रुपए फंड दिए हैं। जो MLA होते हैं, जो सरकार का बजट होता है, ये हर एक कॉरपोरेटर्स को राइट्स रहता है, हर एक वार्ड को डेवलप करने का फर्ज जो है MLA का होता है। आज वार्ड नंबर 16 में मैं देखा हूं, लगभग मैं देख रहा हूं आज तक MLA का 1 रुपया भी हमको वार्ड नंबर 16 के लिए फंड नहीं दिया गया है। 15 फाइनेंस में जो रियाज साहब जब 15 फाइनेंस में जो बजट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अपने अपने वार्ड में 25 लाख 40 लाख दिल में जैसे लोग फिगर डाल लिए, सोए वार्ड नंबर 16 के लिए सिर्फ 10 लाख रुपए दिए। वार्ड नंबर 16 के आवाम के आपसे गुनाह किए भाई, क्या गलती करे मैं पूछना चाहता हूँ MLA को। वार्ड नंबर के आवाम आपको MLA इलेक्शन में हाथ जिताया नो, और MP इलेक्शन में भी वार्ड नंबर 16 के आवाम आपको ओढ़ डाले। आज वहां पे कारपेटर JDS का जीता है महानगर पालिका श्रीमती विजयलक्ष्मी जी मेरे वालदा जो जीते बोल के, आज यहाँ पे जो सियासत करने आप जो जा रहे ना, ये आने वाले दिनों में वक्त टाइम सबको आता है बोल के मैं आज बोलना चाहता हूँ।